रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के द्वारका स्थित सुर ऋतु स्टूडियो में, जहां सुर संघ म्यूजिकल इवेंट द्वारा एक बेहतरीन कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे कलाकार मौजूद हैं, एक से एक मजे हुए कलाकार, उभरते हुए कलाकार। उन्हीं में से एक नाम है श्वेता। श्वेता जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने जो अभी एक गीत गाया, चिट्ठी ना कोई संदेश, ये आपने, पहली बात तो आप ये बताइए, आपने गायना कहाँ से सीखा? सर, मैं प्रोफेशनली सिंगर नहीं हूँ, मेरे बस शौक़ है एक गाने का, तो बस एक शौक के तौर पर मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और मैंने तभी वो गाना गाया है। कब से आप गा रहे हैं? घर पे तो सर बहुत टाइम से गा रही हूँ, और बिफोर मैरिज मैं गाया करती थी थोड़ा बहुत, एंड आफ्टर मैरिज तो बिल्कुल ही बंद हो गया, तो अगेन स्टार्ट, घर पे तो गाते ही रहते हैं। अभी जो आपने ये गीत गाया चिट्ठी ना कोई संदेश, हम भी देख रहे थे, सभी दर्शक भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि जो आपके चेहरे पे ये दर्द एक झलक रहा था, ये कहाँ से, इतनी फीलिंग्स कहाँ से लाते हैं आप? एक्चुअली सर, कोविड टाइम जो हमारा गया है, इसमें बहुत सारे अपने लोग जो थे, जो बहुत दिल के करीब थे, वो हमसे बिछड़ गए। उन्हीं में से मेरी एक मैम थी जो मेरे साथ 17-18 साल से, और मेरे से सिर्फ 4-5 साल बड़ी, और मेरे लिए वो एक गुरु, एक फ्रेंड और बहन, सब कुछ थी। और ये कोविड में उनका जाना मुझे तोड़ गया, मतलब मेरी आधी जान निकल गई, मतलब उनका मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो ये जो सॉन्ग मैंने गाया, उन्हीं को डेडिकेट किया कि कहाँ तुम चले गए, तो उनके लिए ही था, और इवन सबके लिए था। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे होंगे, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके बहुत सारे अपने कहीं ना कहीं चले गए, जिनको वो बहुत प्यार करते थे, जानते थे, जान पहचान वाले थे, तो वो चले गए। तो जस्ट मेरे दिमाग में यही आया कि मैं गाऊंगी तो सिर्फ यही सॉन्ग गाऊंगी, नहीं तो नहीं गाऊंगी, बट यही सॉन्ग मैंने गाना ही था। हम आपकी बातें सुन के हम भी भावुक हो गए। हम आपका ये दर्द तो नहीं बांट सकते, लेकिन ईश्वर आपको शक्ति दे, जो चोट लगी है, जो जुदाई का आपको दर्द महसूस कर रहे हैं। ऑल ओवर जितने भी लोग हैं, जितने भी अभी इस दुनिया में लोग हैं, जिनके लोग अपने चले गए, माँ बाप, बहन, बेटा, बहुत लोग गए हैं सर, हमारे अड़ोस पड़ोस में से लोग चले गए हैं, तो मैं कहती हूँ कि भगवान उन सबको ही शक्ति दे कि अब आगे का जीवन जो उन्होंने जीना है, वो बहुत, मतलब एक ताकत के साथ जिए, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है ये कोविड में हमारा। हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं। आपने ये अपने परिचितों को जो श्रद्धांजलि दी है इस गीत द्वारा, आपकी आंखें छलक रही थी, आपके चेहरे पे एक दर्द था। आप इसी गाने के दो लाइन हमारे दर्शकों पे सुनते हैं। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। बहुत बहुत आपके गाने की जो अंदाज है, दर्द है, उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करें, शुभकामनाएं हमारे साथ हैं आपके। आप ये दर्द जल्द से जल्द भूलें और लोगों की भलाई में लगें। कैमरामैन चरण के साथ वीपी शर्मा, INS News। थैंक यू।